ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जो समय निर्धारित किया गया उस समय पर आप पहुंचे और उस कार्य को करें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हम सिस्टम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। कल बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि कुछ अव्यवस्था हो रही है ना, बहुत सारे लोगों को लगा कि ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, या तो आप क्रिटिसाइज करें कि ये चीज ठीक नहीं है, ये उनकी गलती है, या इससे आप सबक लें कि जब आप अपना इस तरह का कोई कार्यक्रम करेंगे तो आप क्या क्या सावधानियां पहले से बरतेंगे। तो जब मुझसे लोगों ने कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हम अपना वर्कशॉप करने जा रहे हैं ना, इसे सीखो और अपनी वर्कशॉप को कैसे अच्छे से करना है उससे सबक ले, तुम्हारे लिए ट्रेनिंग है। तो बात जो सोच नेगेटिव जा रही थी वो सोच बढ़ गई पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि हमें तो पहले से रखा है। एक नजरिए को रखना है, एक सोच को रखना है और अपने अंदर धीरे धीरे परिवर्तन लाना है, जिसकी मैंने बात करी थी। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप निर्णय ले पाएंगे, जब आप निर्णय ले पाएंगे तभी आप एक एक्शन कर पाएंगे और जब आप एक्शन करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। सपने कितने लोग पूरा करना चाहते हैं? सर सपना क्या है आपका? बस ऐसी बता दीजिए, मैं सुन रहा हूं, सबको बता दूंगा। क्या सपना? बहुत सारे पैसे, बहुत सारे पैसे कमाना। कितने? लिमिट नहीं है। कब तक? दो साल। क्या डेट है आखिरी डेट? 25। लेकिन इन्होंने नंबर सही डायल नहीं किया। अब 25 तारीख को ऊपर वाला देने के लिए रेडी है कि इनको खूब सारे पैसे देने, लेकिन कितने इन्होंने नहीं बताया। तो क्या ये आएगा? देखिए, सपनों को दूसरे चरण में लेकर आइए, उसको कहते हैं लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है पता है? अ ड्रीम विद अ डेट इज अ गोल। यानी कि सपनों पर अगर आप एक डेट डाल दें तो वो बन जाता है लक्ष्य। तो सपना देखने के साथ उसको लक्ष्य में परिवर्तित करिए और लक्ष्य के बाद ड्रीम के बाद गोल और गोल के बाद प्लान। प्लान का मतलब कि वो कैसे पूरा होगा, उसकी प्लानिंग करना, और उसके बाद आता है एक्शन। ड्रीम गोल प्लान एक्शन, ये सीक्वेंस है। जब आप इस सीक्वेंस से होकर गुजरेंगे तभी आपका वो सपना पूरा हो पाएगा। ऑल सेट सर? तो चलिए, ब्लॉकचेन भविष्य है पूरी दुनिया का, समाधान है बहुत सारी समस्याओं का। और ये बात आपको समझाने के लिए हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत आ रही है जिससे आप ऑलरेडी रूबरू हैं। वो जब बोलते हैं तो वाणी बहुत मधुर लगती है, शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, और हम इस बार एज अ ट्रेनर उनका स्वागत करने वाले हैं। तो अपने स्थान से खड़े होकर जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। और हां, अभी आप खड़े हो जाइए, फिर मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बहुत मुश्किल काम आप लोग कर रहे हैं, लगातार 5-6 घंटे तक बैठना। पता है इसको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है? जब भी कोई व्यक्ति मंच पर आए चढ़े उस वक्त आप खड़े हो जाएं, जब भी कोई व्यक्ति मंच से उतरे उस वक्त आप खड़े हो। अगर आपने मुझे कल से नोटिस किया होगा तो हर एक व्यक्ति के जब वो स्टेप चढ़ता है तो मैं उस वक्त खड़ा दिखूंगा आपको, और जब वो उतरता है तो उस वक्त मैं आपको खड़ा दिखूंगा। इससे आपकी बॉडी में जो फंक्शन है वो होता रहेगा, उठक बैठक होती रहेगी, फंक्शनैलिटी रहेगी, सुस्ती नहीं आएगी, होगा ना। तो ये एक एक्सरसाइज है जो आपके लिए फायदे की है। इसलिए जब भी कोई मंच पर आए आप खड़े होकर उसका स्वागत करें, जब वो मंच से उतरे खड़े होकर करें। इससे आप ही का भला होगा और किसी का कुछ नहीं होगा, ठीक है? किसी और के सम्मान में नहीं, अपने शरीर के सम्मान में एक्सरसाइज करते रहिए। तो चलिए जो